नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़, 15 लाख रुपए का माल उड़ाने के लिए की गई थी क्लीनर की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। थाना बन्ना देवी इलाके से 15 जनवरी को ट्रक सहित गायब हुए क्लीनर की मथुरा जिले में ले जाकर की गई हत्या। लोहे की पत्ती चोरी करने के लिए की गई थी क्लीनर की हत्या। पुलिस ने क्लीनर की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ की बन्ना देवी पुलिस ने 15 जनवरी को हुए ट्रक लूट और हेल्पर की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक अभियुक्त अभी फरार है। पकड़े गए इन 3 सभी अभियुक्तों पर पूर्व में भी मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को अधिकारियों ने इनाम की घोषणा भी की है। दरअसल बीती 15 जनवरी को रात 8 बजे ट्रक मालिक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस को सूचना दी कि उसका हेल्पर ट्रक में लदी लोहे की पत्ती, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए साबित सहित गायब हो गया है। सूचना पर थाना बन्ना देवी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस को हेल्पर दौलत राम निवासी थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़ का शव थाना छाता जिला मथुरा में, तो वहीं गायब हुआ ट्रक नौझील जिला मथुरा के अंदर बिना माल के मिला था। एसएसपी अलीगढ़ ने घटना के खुलासा के लिए एक टीम गठित की है। पुलिस जब एक मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान पुलिस ने एक अभियुक्त प्रकाश को तपंचे सहित एक अशोक लेलैंड ट्रक जिसमें 3 बंडल लोहे की पत्ती लदी हुई थी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान पकड़े गए आरोपी प्रकाश ने बताया कि उसने अपने साथ ही बॉबी निवासी खैर के साथ मिलकर ट्रक लूट की घटना कर हेल्पर की हत्या कर उसका शव मथुरा में फेंक दिया था। प्रकाश की सूचना पर पुलिस ने लूटा बाकी माल भी बरामद कर लिया है। इस माल को रखने वाले 2 अन्य उसके साथ ही राहुल और सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त घटना में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अभियुक्त अभी मौके से फरार है। फरार होने वाला अभियुक्त बॉबी शर्मा थाना खैर क्षेत्र के खैर कस्बे का रहने वाला है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। ये 15 तारीख को एक मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें एक ट्रक में 26 बंडल माल चोरी, यहाँ से लूट का मुकदमा लिखाया गया था। उसके संबंध में पुलिस ने तफ्तीश की और मथुरा में इसके बारे में जो ट्रक और जो एक इसका जो ड्राइवर था उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसी संबंध में पुलिस ने कल 23 तारीख को एक ट्रक चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिसमें प्रकाश उर्फ चाचा पुत्र दिगंबर सिंह जो चोरी का संदिग्ध माल था उसके साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने यह पूरी घटना का खुलासा किया, जिसमें उसने बताया कि जो प्रकाश उर्फ चाचा और बॉबी शर्मा ने मिलके इस ट्रक का और चालक का किडनैप किया था और इन्होंने उसको मथुरा में ले जाके जो चालक था उसको मारा और ट्रक से माल उतार के वहाँ पे छोड़ा था। तो उसी के माल को साथ ये गिरफ्तार हुआ है और इसमें एक ट्रक जिसमें ये वहाँ से 3 बंडल लेके आ रहा था, मिनी ट्रक अशोक लीलैंड एक, और इसके अलावा जो पूरी घटना में जो माल 26 बंडल गायब हुआ था वो, और एक तमंचा जो इसने हत्या में इस्तेमाल किया था, और एक ट्रक ओरिजिनल जिसमें माल लदा हुआ था, ये सब इसमें बरामद किए गए हैं। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, प्रकाश उर्फ चाचा पुत्र दिगंबर सिंह निवासी थाना सादाबाद जिला हाथरस, राहुल पुत्र अतर सिंह निवासी जय गुरुदेव मंदिर के पीछे सलेमपुर रोड मथुरा, सुनील पुत्र सुरेश शर्मा निवासी टाउनशिप थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा। सर, कहाँ से माल आया था, कितने का माल था और इसके क्या संबंध जो होते हैं? यह माल जो तफ्तीश में पता लगा है कि ये गाज़ियाबाद से अलीगढ़ के लिए लाया जा रहा था और लगभग माल की कीमत 15 लाख रुपए के आसपास है। और जो मृतक है यह इसमें ट्रक चलाता था और जो जिसने इसको मारा है उससे उसकी कोई पूर्व में कोई ऐसी जान पहचान नहीं थी, पर इसने बताया कि कुछ दिनों से ये इसके संपर्क में था और उसके द्वारा इसको पता लगा था कि इस तरह का कोई माल आ रहा है। स्थानीय पुलिस को कितने की धनराशि, ये अभी घोषित किया जाएगा कितनी धनराशि, पर सराहनीय कार्य के फलस्वरूप श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने इनाम की घोषणा की गई।